हेलो एवरीवन, दिस इज इशिता एंड दिस इज वत्सल। और आज हम आपसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ये है कि इशिता एंड वत्सल, हाउ द लॉकडाउन फेज वॉज फॉर यू। सो ऑनेस्टली ये फेज हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल रहा है, बिकॉज ऐसा पहली बार हो रहा है। लेकिन हमने लॉकडाउन जब हो रहा था तब डिसाइड किया था कि हम इस वक्त को यूटिलाइज करेंगे, वील मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड अब जब लॉकडाउन खत्म होने आ रहा है, आई कैन से दैट हमने काफी अच्छी तरह से इस वक्त को यूटिलाइज किया है। आई एब्सोल्युटली अग्री। यू नो, ये लॉकडाउन सभी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड था, टफ था, बट और हमारे लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट था। हम एक्टर्स हैं, हमारी शूटिंग बंद हो गई थी, बट व्हाट वी डिसाइडेड इज दैट लेट्स बी पॉजिटिव। और क्या है, इस लॉकडाउन का हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है ये करने के लिए, वो करने के लिए, बट इस लॉकडाउन में हमारे पास बहुत वक्त था, तो हमने ऐसी कई सारी चीजें की है इस लॉकडाउन में। जैसे कि हमने शॉर्ट फिल्म बनाई। मैं फ्लूट बजाना सीख रहा हूँ। आई टर्न द डायरेक्टर। वत्सल शेट फिल्म्स हमने अनाउंस की है, एंड हमारा सेकंड प्रोडक्शन आ रहा है, इट्स अ म्यूजिक वीडियो विच वी ऑल्सो शॉट एट होम। तो हमने काफी सारी चीजें की है इस लॉकडाउन में। जी, ओके, सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। आप हमें इस वक्त में एंटरटेन करते थे विद आर वीडियोस, सो इज दैट समथिंग दैट कीप्स यू मोटिवेटेड? सो ऑनेस्टली हम जो फनी वीडियोस बनाते हैं, इसका आइडिया हमें आपसे मिला है। हम ऑनलाइन हम वीडियोस देखते थे, एंड एक दिन मैंने कहा कि चलो ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग, कुछ फनी सा बनाते हैं, एंड लोगों को इतना पसंद आया, तो वी वर लाइक चलो अब आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ अच्छा। एग्जैक्टली और हमें काफी मैसेजेस भी आते हैं कि आपके वीडियोस हमें काफी एंटरटेन कर रहे हैं इस मुश्किल दौर में, हम आपके वीडियो देखते हैं हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है। सो एक्चुअली आप हमें इंस्पायर कर रहे हैं ये वीडियोस बनाने के लिए, सो थैंक यू सो मच, वी रियली अप्रिशिएट। और हम आपके लिए लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद भी ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, there's a general sense of panic and anxiety in the air. Is there anything you recommend people to watch or listen to calm their nerves? सबसे important जो I honestly think the most important thing to calm yourself in this environment is to keep yourself busy. आप अपने आप को बिजी रखिए, चाहे वो आप किताबें पढ़े, कोई नई स्किल्स सीखे, जैसे कि मैं फ्लूट बजाना सीख रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, इशिता पेंटिंग कर रही है, हम वीडियोस बना रहे हैं। जस्ट मेक श्योर के यू कीप योरसेल्फ बिजी, एंड इफ यू आर बिजी यू विल डेफिनेटली विन दिस वॉर। एंड प्लीज कीप टॉकिंग टू योर लव्ड वंस, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक साथ वी फाइट दिस। अगर हम एक साथ रहेंगे तो आई एम श्योर वील गेट आउट ऑफ दिस वेरी वेरी सून। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। अगर आपको गाना सुनना पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, हम कभी कभी कैरियो के हम गाना गाते हैं घर पे अपने फैमिलीज के साथ। I'm very bad. हम रोज ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं एक दूसरे के साथ, हम हाउसी खेलते हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ बिजी, अच्छे अच्छे खाने बनाइए, मैं वीडियोज भी डालती हूँ, सो जस्ट मोटिवेट योर सेल्फ एंड बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। एंड रिमेम्बर, हम सब इसमें एक साथ हैं। ओके, डू यू थिंक थिंग्स आर गोना बी नॉर्मल एनी टाइम सून, एंड स्पेशली फॉर आर इंडस्ट्री? आई थिंक वक्त लगेगा। आई मीन ऑफकोर्स थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल, जैसे था वैसे हो जाएगा, बट थोड़ा वक्त लगेगा, एंड दैट्स ऑल राइट, वी हैव टू बी केयरफुल। ये लॉकडाउन खत्म हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना वायरस ही मिट गया है, इट्स स्टिल आउट देयर। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड इफ वी ऑल आर केयरफुल देन आई थिंक वी आर प्रीटी मच ओके। या आई नो दैट जो डेली वेज अर्नर्स है हमारे इंडस्ट्री में हो या कहीं और, उनके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है ये, एंड हमारी गवर्नमेंट एंड काफी सारे लोग दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू हेल्प एंड टू सपोर्ट, सारे जो एनजीओज है, ऑर्गेनाइजेशन है। आप थोड़ा और हैव फेथ, एंड आई एम श्योर ये बहुत जल्दी धीरे धीरे लॉकडाउन एक एक फेज करके खुलेगा एंड काम वापस शुरू हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी के लिए प्लीज सबसे हमारी एक ही ड्यूटी है जो हम 2 महीने से कॉन्स्टेंट लोगों को बोल रहे हैं, वो है टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। अपनी तरफ से 100% कोशिश कीजिए कि आप इस चीज को और आगे ना बढ़ाएं, तो प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एवरीबॉडी। एंड या नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनी प्रोजेक्ट दैट गॉट इफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोरोना. सो आई थिंक हम दोनों के प्रोजेक्ट्स खत्म हुए थे कोरोना के पहले और हम एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे. एग्जैक्टली, हमने एक म्यूजिक वीडियो जस्ट लॉकडाउन के पहले खत्म किया था, बट आई थिंक उसका पोस्ट प्रोडक्शन रह गया. सो दैट वॉज वन प्रोजेक्ट विच गॉट अफेक्टेड. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट कपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स विच वी वर इन टॉक्स विद, वो भी डिले हो गए. मेरी गुजराती फिल्म, मैंने वो हूँ हमारी वाइफ नेनो हस्बैंड, जो हम प्लान कर रहे थे कि यू नो इस अप्रैल मई में रिलीज़ करने के लिए, बट आई थिंक वो भी अटक गई है. सो यस, देर आर वर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विच वी आर पार्ट ऑफ जो अफेक्ट हुए थे इस लॉकडाउन की वजह से, बट आई थिंक इट्स ऑल राइट, यू नो इट्स ऑल गुड. राइट नाउ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी हेल्थ, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो द लास्ट क्वेश्चन इज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. हमने लॉकडाउन के पहले एक म्यूज़िक वीडियो शूट किया था जो बहुत जल्द आएगा. उसके अलावा हमने लॉकडाउन में एक म्यूज़िक वीडियो शूट किया है जिसका टाइटल है रहने दो ज़रा, वो भी बहुत जल्द रिलीज होगा. सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट एंड वी कांट वेट फॉर यू गाइस टू सी इट. सो या दैट्स आई थिंक दैट रैप्स अप ऑल द क्वेश्चंस एंड हमें बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. And we'll see you guys soon. All right. Take care. And yeah, and remember that we're gonna make these entertaining videos for y'all. So please keep watching them and liking them because these videos are specially for you. Okay. Bye. Bye.